अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बना रही थी टिक्का कढ़ाई। मैंने सोचा आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ, क्योंकि घर के मसालों से बहुत अच्छी कढ़ाई बनी थी। जो लोग मतलब भुना भुना भी खाना चाहते हैं और हल्की सी ग्रेवी भी खाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये बेस्ट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने भी कल बनाई तो मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो थी ये रेसिपी। 1 किलो के करीब मैंने गोश्त लिया, 2 चम्मच भर के हरी मिर्चों का पेस्ट पीस के डाला, 1 पाव पूरा आपने इसके अंदर दही ऐड कर देना है, और उसके बाद कुटा धनिया, कुटा ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, नमक, हल्दी और थोड़ा 2 चम्मच के करीब चिली सॉस, ठीक है ना, 2 चम्मच के करीब चिली सॉस वो मैंने डाला। सारे स्पाइसेस मैंने आराम आराम से डाले ताकि मैं रेसिपी भूल ना जाऊं। ये रेसिपी एक्चुअली मैंने टिकटॉक पे देखी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत मज़ेदार, मतलब देख के ना ऐसा दिल चाह रहा था खाने का। तो फिर मैंने ये सारी चीज़ें ली, सब चीज़ों को मैरिनेट किया। मैरिनेट अगर आपके पास टाइम है तो आधा 1 घंटे के लिए रख दें। अदरक लहसुन का पेस्ट ज़रूर डालेगा, वो मैं आपको बताना भूल गई। 2 चम्मच भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, पिसी मिर्च, पिसा धनिया, हल्दी, नमक, कुटी मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला, कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया, इन तमाम चीज़ों को और ये चिली सॉस अच्छी तरह मिक्स करके आपने इसको मैरिनेट करना है। थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, उसके बाद ऑयल अच्छे से गरम करें। गरम करने के बाद आपने ये मसाला उसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड करने के बाद थोड़ा सी उसकी भुनाई करें, उसके बाद आप उसमें पानी वानी डाल के ना, गोश्त के हिसाब से कि जितने पानी में आपका गोश्त गल जाए। मैंने 2 गिलास भर के पानी डाला था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बकरीद का गोश्त थोड़ा लेट गलता है। एनीवेज़ फिर मैंने इनको अच्छे से मिक्स किया, मिक्स करके उसके बाद मैंने इसको गरम ऑयल में डाल दिया पतीली में, जब तक ये बिल्कुल अच्छे से कुक नहीं हो गया, गोश्त बहुत अच्छे से टेंडर नहीं हो जाता उस जब तक मैंने इसको बनाया। उसके बाद फिर मैंने इसकी भुनाई करनी शुरू करी। भुनाई करने के बाद जब ऑयल सेपरेट हो गया तो आप इसके अंदर ऐड कर दें हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक, क्योंकि अदरक मेरे बच्चे चुन चुन के अलग कर देते हैं। मेरे मियाँ के मुंह में आ जाए तो उनका मुंह ख़राब हो जाता है, एक मैं अकेली बेचारी कितनी अदरक खाऊं, तो इसलिए मैंने अदरक स्किप कर दी थी। और बस उसके बाद हमारा ये सालन रेडी हो गया, मज़ेदार सा। ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स ज़रूर करिएगा। ये देखें कितना ज़बरदस्त मेरा सालन बना है। इसमें हल्की सी ग्रेवी भी है और भुना हुआ भी है। तो ये है क्विक और इजी रेसिपी, कोई मेहमान आए फटाफट बनाएं, नान मंगवाएं और इन्जॉय करें। ये बन गया हमारा सालन। और गर्मी की वजह से हम लोग खाना एक्चुअली छत पे खाते हैं, और मैं हरा धनिया ना थोड़ा सा डिश में खूबसूरती लगे ज़रा वीडियो में अच्छा आए तो ऊपर से मैं डाल के लेकर आई थी। तो कैसी लगी आप लोगों को रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा और ट्राई भी करिएगा। अच्छी बनी थी, खाने में भी बहुत अच्छी थी, मज़ेदार थी। ये कि गोश्त अच्छे से गला हुआ हो ना, तो मुझे ना गर्मी लग रही है, मेरे गर्मी दाने बहुत हो रहे हैं मेरे गर्मी दाने। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं, ये ब्लॉग यहीं पर ही एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल आपसे किसी और एक्टिविटी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। लाइक ज़रूर कर दिएगा।